21तम जातीय स्तरीय हस्तंत मेला उद्घाटित हस्तंत एवं बयनशिल्प मंत्री रीता साहू मेला को उद्घाटन करछंती। भुवनेश्वर प्रदर्शनी पड़िया रे आरंभ होइथिबा मेला अक्टोबर 10 तारीख पर्यंत कोविड कटकणा सहित अनुष्ठित हेबो। मेला रे 215 टी स्टॉल खुला जायछि, एथि मधुरु 115 टी स्टॉल ओडिसा रो विभिन्न हस्तंत संस्था एवं समिति मानक पई उद्दिष्ट रहिछि। बाकी 100 टी अन्य राज्यर अंशग्रहणकारी संस्था को आवंटन करा जिवो। तबे एही मेला रे उत्तर प्रदेश, जम्मू काश्मीर, राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिमबंग, बिहार, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, कर्णाटक, हरियाणा एवं ओडिशा रो विभिन्न संस्था अंशग्रहण करी सेमानकर विभिन्न हस्तंत वस्त्र एवं परिधान को प्रदर्शित कराई बिक्री करिवे। दिन 11:30 रु राति 9:30 पर्यंत मेला चलिवो। उद्घाटन उत्सव रे विधायक अनंत नारायण जेना, कमिश्नर तथा शासन सचिव हस्तंत बयन एवं हस्तशिल्प विभाग सुभाष शर्मा जोग देथिले। देशर समस्त बयनकला को गोटे स्थान में प्रदर्शित कराइबा एवं संपुक्त बुणाकार मानक सर्वांगीन उन्नति निमंते राज्य सरकार को एहा एक प्रयास। ओडिशा व्यतीत 15 राज्य रो एठारे अंशग्रहण करछंती। हमर देशर बुणाकार भाई मानकर उन्नति पई आज स्टॉल टी ओडिशा सरकार द्वारा आयोजित हेछि। बयनिका एकाम्र हाटारे हस्तंत मेला आयोजित हेछि। एथरे हमर देशर समस्त बुणाकार माने किपरि उन्नति हेबे आ ଏଥିରେ 12 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ପ୍ରାୟ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମେଳାଟି ଚାଲିବ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ପରିବାର ହେଉ, ବୁଣାକାରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉ, ତାଙ୍କର ପରିବାର କେମିତି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ଆମ ବୁଣାକାର ଆମର ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆସୁଛି ଆମଦାନୀ ହେଉଛି, ତାକୁ ନେଇ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ଆହୁରି ଅଧିକା ଇଏର ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ଅଂଶ ଏସବୁର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟେ। ତେଣୁକରି ଯେତେ ମେଳା ହେବ, ଯେତେ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ହେବ, ସେତେ ଆମମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିବ, ଆମ ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଆମେ 15 ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତେଣୁକରି 225 ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଉପକାର ହେବ।